नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। वो 84 साल के थे। पिछले 6 महीनों से किडनी संबंधी परेशानी से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे। बता दें कि उनका जन्म जम्मू में पंडित उमा दत्त शर्मा के घर 13 जनवरी 1938 में हुआ। 1999 में एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि उनके पिता ने उन्हें महज 5 साल की आयु से तबला और गायन की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। उनके पिता ने संतूर वाद्य पर शोध किया और शिवकुमार को भारतीय शास्त्रीय संगीत को संतूर पर बजाते हुए देखना चाहते थे। शिवकुमार शर्मा ने 13 साल की आयु से ही संतूर बजाना शुरू किया। आगे चलकर उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा किया। पंडित शिवकुमार शर्मा ने जम्मू कश्मीर में संतूर को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर पहचान दिलाई। उनका पहला कार्यक्रम मुंबई में 1955 में किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में संतूर को मशहूर किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पंडित शिवकुमार शर्मा का खास योगदान रहा। पंडित शिवकुमार शर्मा का सिनेमा जगत में भी अहम योगदान रहा। उन्होंने कई सारे सुपरहिट गानों में भी संगीत दिया, जिसमें उनका साथ दिया हरिप्रसाद चौरसिया ने। बता दें कि पंडित शिवकुमार शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके पिता चाहते थे कि जम्मू या श्रीनगर के आकाशवाणी में वो काम करे। पिता चाहते थे कि उनका बेटा सरकारी नौकरी के जरिए भविष्य सुरक्षित करे, लेकिन पंडित जी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। इसे लेकर उन्होंने घर छोड़ा और एक संतूर और जेब में सिर्फ 500 रुपए लेकर मुंबई आ गए और संघर्ष शुरू किया। वही पंडित शिवकुमार शर्मा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार मिले। उन्हें 1985 में बाल्टीमोर संयुक्त राज्य की मानद नागरिकता मिली। उन्हें 1986 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।